नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले, छाती में बलगम जम जाता है और सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, सांस फूलने लगता है, बहुत ज्यादा हांफना पड़ता है, जिसे पसली की समस्या है, जिससे निमोनिया की समस्या है, वह इस बीमारी को महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा समस्या हो जाती है। आज हम आप लोग को इस समस्या से दूर होने के लिए एक बहुत ही अच्छा और आसान सा नुस्खा बताएंगे, जिस नुस्खे को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, और देखा होगा तो आप कभी इसे पहचान नहीं पाए होंगे कि यह एक ऐसी चीज जो हमारी पसली को दूर करने के लिए, यानी कि पसली की समस्या को दूर करने के लिए इतनी कारगर है, जिससे यह समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, नुस्खा कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है और वह फ्री का नुस्खा है। अगर आप इस फ्री के नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की पसली की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी यह सीरीज, इसके अंदर 40 बीमारी आएगी, जिसमें आपको यहाँ से ऊपर सांस संबंधी जितनी बीमारी होती है, खांसी, नजला, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ और बहुत ऐसी समस्या है, वे सारी हमारी इस सीरीज में कंप्लीट होने वाली है। आप इस सीरीज को जरूर देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी इसे पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं उस नुस्खे के बारे में, जिससे आप लोगों की पसली की समस्या दूर हो जाएगी, जिससे आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, यह सभी समस्या दूर होने वाली है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग जरूर होंगे, जैसे दादी, बाबा, यह जरूर होंगे, नानी, नाना बिल्कुल होंगे। दोस्तों, यह एक हुक्का पीते हैं, जिसे हुक्का पीते हैं आप देखते हैं, हरियाणा में हुक्का बहुत ही ज्यादा मशहूर होता है। दोस्तों, जो हुक्के की चिलम होती है, उस चिलम में जो कसोरा होता है, वह कसोरा ही एक बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों, वह कसोरा 1 साल पुराना होना चाहिए, आप उसे अपने घर ले आइए, जिससे आप लेंगे उसे नया कसोरा दे दीजिए और उससे पुराना कसोरा ले लीजिए और अपने घर लाकर उसे साफ कर लीजिए, फिर उसे आप पत्थर की सहायता से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको आप पूरा बारीक पाउडर बना लीजिए, फिर आप उसे शहद की सहायता से, दोस्तों शहद, थोड़ा सा आपको शहद लेना है और थोड़ा सा वह कसोरा पिसा हुआ लेना है। आपको यह अपने बच्चे को या बड़ा हो बड़ा भी इसे अपनी हथेली पर रखकर शहद की मात्रा थोड़ी सी मिलाकर इसे पेस्ट बना लीजिए और इसे सुबह शाम अपनी उंगली पर लगा के ऐसे चाटना है। दोस्तों, अगर आप इसे 40 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की पसली चलने की समस्या, बार बार पसली चलने की समस्या बिल्कुल जड़ से दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह नुस्खा कोई मजाक वाला नुस्खा नहीं है, यह नुस्खा रियली और ओरिजिनल नुस्खा है जो हमने आजमाया है, जिससे एक पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है और 40 दिन के बाद उसे पसली चलने की, सांस लेने की, यह सभी समस्या दूर हो गई। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा नुस्खा, आप इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, एक दो नुस्खा आयुर्वेदिक भी है, आप उसे भी इस्तेमाल कीजिए और इन्हें भी अपने रेगुलर में इस्तेमाल कीजिए। आपको एक कली लहसुन की, एक कली सुबह और एक कली शाम को रोटी के साथ खानी है। इससे क्या होगा, एक तो आपके छाती पर जितना बलगम होगा वह सारा पिघल कर लैटरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा और आप लोगों के फेफड़े खुल जाएंगे। दोस्तों, दूसरा है अदरक, आप अदरक का इस्तेमाल भी जरूर कीजिए। अदरक की छोटी सी गोली लेकर आप उसे चबा लीजिए, खाना खाते समय चबा लीजिए, इससे भी आप लोगों की गले का इंफेक्शन होता हो, आपको पसली की समस्या, बलगम की समस्या, यह सभी समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अगर हो सके तो आपके घर में दूध होगा तो आप दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे घोलकर सुबह शाम उसे भी आधा गिलास या 1 गिलास पिया करें, इससे भी आप लोगों की निमोनिया की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह सभी दवाई बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि जो दवाई गर्म होती है वही हमारे फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालती है, जिससे हमें आराम मिलता है और हमारी छाती पर जितना जमा हुआ है बलगम है वह सारा बाहर निकल जाता है और हमें आराम मिल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पसली वाले को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसकी पसली चलती है उसे फास्ट फूड, तले पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी पसली पर बलगम चिपक जाता है और हमारे जो फेफड़ों के सुराख होते हैं वह बंद हो जाते हैं, तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जिसे सांस की समस्या है या पसली की समस्या है, वह इस बीमारी को महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीने की कोशिश करें, गर्म पानी में हो सके तो थोड़ा सा नमक डालकर उसे पिया करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, पसंद आएगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके।
दोस्तों यह वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनकी पसली में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है या जिन्हें गले में खराश होती है, वह इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर।